अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि टेलीविज़न पर इस वक्त क्या चल रहा है, तो लगभग 50% यूजर्स जो कि फैमिली शो शौक से देखने वाले हैं, वो अनुपमा सीरियल का नाम ही लेंगे। इस शो की ट्रेन की स्पीड से बढ़ती हुई टीवी टीआरपी को देखते हुए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जब से ये शो शुरू हुआ है, तब से अगर कोई पति घर में ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो पत्नी झट से शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का एक डायलॉग बोलकर उसे ही चुप करा देती है। कहीं ना कहीं इस शो का इम्पैक्ट ऑडियंस पर काफ़ी भारी मात्रा में पड़ा है। इस वक्त एक्ट्रेस अपने पति के पैर छूने वाले वीडियो को लेकर जनता के निशाने पर है। अब एक्ट्रेस ने इस पर फैंस का जवाब दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले रूपाली गांगुली का एक एयरपोर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपने पति के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई। इस वीडियो में एक्ट्रेस को उनके पति के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए देखा गया। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से ही फैंस रूपाली गांगुली से नाराज होने लगे हैं। फैंस का कहना था कि सीरियल में वुमेन एम्पावरमेंट की बात से लेकर उनके बराबर हक और उनकी रिस्पेक्ट की बात करने वाली उनकी अनुपमा एक्ट्रेस असल जिंदगी में बिल्कुल अपोजिट कैसे निकल गई। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में फैंस के इस सवाल का जवाब दिया है। बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, मेरे पति फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं, उनके रहते मुझे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा मुझे काम करने और इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए मोटिवेट किया है। मेरा ये मानना है कि वो हमारे घर के मुखिया हैं जो कि हम सबको संभालते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हूँ। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि अगर कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है तो भी मैं अगले दिन उठकर उनके पैर ज़रूर छूती हूँ। ऐसी एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टाफीड।